मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आगामी 3 मई को अजमेर में एकल विद्यालय अधिवेशन को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित एकल विद्यालय के इस कार्यक्रम में 20,000 लोगों के जुटने की संभावना है। एकल विद्यालय का अधिवेशन अजमेर के आजाद पार्क में आयोजित किया जाना है, इसे लेकर तैयारियां चरम पर है। रविवार शाम तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने आयोजकों के साथ व्यवस्थाओं को जांचा परखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सीओ राजेश मीणा, ट्रैफिक डिप्टी अदिति कांवट, एडीएम राधेश्याम, डीएसओ सुरेश सिंधी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोजन स्थल का सघन निरीक्षण किया। गौरतलब है कि अधिवेशन में मुख्य वक्ता के रूप में एकल विद्यालय अभियान के संस्थापक श्याम गुप्त के साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता बतेल, शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, प्रभारी मंत्री हेम सिंह बड़ाना सहित धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत भी मौजूद रहेंगे। अधिवेशन में एकल विद्यालय संचालित करने वाले आचार्यों के साथ ही एकल विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है। 3 मई को यहाँ 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। एक अजमेर शहर में एकल विद्यालय का कार्यक्रम है जो यहाँ आजाद मैदान में होगा, और दूसरा पुष्कर में सावित्री माता का जो मंदिर है उसके ऊपर रोपवे जो बना है उसका शुभारंभ करना प्रस्तावित है। तो सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सुरक्षा की दृष्टि से गर्मी के मौसम को देखते हुए छाया, पीने का पानी, फर्स्ट एड, ट्रैफिक की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था और बाकी सभी व्यवस्थाओं के लिए आज निरीक्षण किया गया है और व्यवस्थाएं माकूल करने के लिए सबकी जिम्मेदारियां निर्धारित की। 3 मई को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रस्तावित पुष्कर यात्रा की तैयारियों सहित आयोजित होने वाली आमसभा में अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठा करने के लिए रविवार को संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में स्थानीय महेश्वरी भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, देहात जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सारस्वत, भाजपा नेता कमल प्रकाश किशनानी, भाजपा के चारों मंडलों के अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष मुकेश कुमावत सहित भाजपा देहात और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित कर व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने पालिका अध्यक्ष कमल पाठक को उनके जन्मदिवस के अवसर पर माला पहनाकर शुभकामनाएं भी दी। माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, त्रिदराज पुष्कर के अंदर माता सावित्री जी का रोप है उसका उद्घाटन करने 3 तारीख को 11 बजे यहाँ पहुँचेंगे, और आज इसी के निमित्त हम सब कार्यकर्ताओं ने हमारे जिलाध्यक्ष जी और माननीय ओंकार सिंह जी लखाव जी भाई साहब के सानिध्य में हमने बैठक रखी और हमें उनका भव्य स्वागत करना है। और हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 2 सालों के अंदर त्रिदराज पुष्कर के अंदर उन्होंने जो विकास कार्य कराए वो पहले कई वर्षों से नहीं हुए, और जो भूमिगत केबल का जो कार्य हुआ वो भी एक ऐतिहासिक रहा, और सावित्री माता के मंदिर की पहाड़ी की परिक्रमा का कार्य है वो भी एक ऐतिहासिक है, और हमें उनका हम बारम्बार धन्यवाद। सावित्री माता के मंदिर के लिए रोपवे का बनना और उसका प्रारंभ होना एक बहुत चिर प्रतीक्षित मांग रही है यहाँ के लोगों, क्योंकि सावित्री जी का इस पुष्कर के और सृष्टि की रचना के साथ एक महत्वपूर्ण, ब्रह्मा जी के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और मैं ये कह सकता हूँ कि पुष्कर की धार्मिक दृष्टि से महत्व और तीर्थाटन के नाते महत्व में एक ही माइलस्टोन साबित होगा। बहुत सारे लोग जो यहाँ तीर्थाटन के लिए लोग आते हैं और पर्यटक भी आते हैं, वे सावित्री पहाड़ ऊंचा होने के कारण और जरा सुगमता ना होने के कारण जा नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, परंतु निश्चित रूप से ये रोपवे बन जाने के बाद यहाँ एक एडवेंचरस कहना चाहिए, एक साहसिक यात्रा भी होगी ये, और पूरे पुष्कर का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा, सावित्री माता के दर्शन का मिलेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि सावित्री माता की कृपा होने के कारण से और सुगमता होने के बाद यहाँ का भाग्य बदलेगा, यहाँ का वातावरण बनेगा, यहाँ का परिवेश बदलेगा, यहाँ का सांस्कृतिक और धार्मिक जो महत्व है उसमें और इजाफा होगा।